हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको धरती के ऐसे 8 जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जिनके खुद के शरीर ने ही उनकी जान ले ली। दरअसल जहां प्रकृति ने कुछ जानवरों को ऐसा शरीर दिया है कि वो बुरे से बुरे मौसम में भी जिंदा रह पाते हैं, वहीं कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके शरीर में कुछ नुकीले और जानलेवा अंग होते हैं जो उनकी मौत का ही कारण बन जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के नंबर 1 जानवर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 8 बाबीरूसा। दोस्तों सुअर की तरह दिखने वाला ये बाबीरूसा नाम का जानवर इंडोनेशिया के बुरु और सुला आइलैंड पर पाए जाते हैं और ये कोई आम सुअर नहीं है बल्कि ये कीचड़ और घने जंगलों में पाए जाने वाले सर्वाहारी सुअर हैं जो लगभग सब कुछ खा जाते हैं। और जो बात खास तौर पर इन्हें बाकी सुअरों से अलग बनाती है वो है इनके हाथी जैसे दिखने वाले दांत। दोस्तों ये दांत लड़ाई के समय बाबीरूसा के काम तो आते हैं पर कई बार यही दांत इनकी मौत का कारण भी बन जाते हैं। दरअसल ये दांत पूरी जिंदगी धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब ये बाबीरूसा की खोपड़ी में ही छेद करके अंदर घुसने लगते हैं। वैसे तो दोस्तों बाबीरूसा समय समय पर लड़ाई करके या पत्थर से टकराकर अपने इस दांत को तोड़ते रहते हैं पर जब उनमें लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है तो यही दांत धीरे धीरे करके उनकी जान ले लेता है। नंबर 7 रेनडियर्स। दोस्तों रेनडियर्स यानी कि बारहसिंघा, आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा। ये हिरन की एक ऐसी प्रजाति है जो अपने लंबे घने सींगों के लिए जानी जाती है। बारहसिंघा के सींग काफी मजबूत होते हैं जो उन्हें लड़ाई करने में मदद करते हैं पर कई बार उनका ये हथियार उन्हीं पर ही भारी पड़ जाता है और उन्हें ही मौत के घाट उतार देता है। दरअसल दोस्तों कई बार ये बारहसिंघा अपनी ही प्रजाति के हिरनों से लड़ पड़ते हैं, कभी खाने को लेकर तो कभी किसी मादा हिरन को लेकर। और जब ये लड़ते हैं तो इनकी सींगें आपस में ही बड़ी बुरी तरह से उलझ जाती हैं जिसके बाद दोनों ही न तो खा पी पाते हैं और न ही हिल डुल पाते हैं और इस तरह इनकी भूख प्यास से तड़प कर मौत हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कई बार रेनडियर्स अपने सींग को किसी पेड़ या झाड़ी में भी फंसा बैठते हैं और वहां से निकल नहीं पाते और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर दूसरे जंगली जानवर उन्हें मारकर खा जाते हैं। वैसे अगर किसी रेनडियर की किस्मत अच्छी होती है तो इंसानों की उन पर नजर पड़ जाती है और वो उनके सींग काटकर उन्हें मरने से बचा लेते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रकृति ने इन जानवरों के साथ सही किया है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 6 रैम्स। दोस्तों रैम्स भेड़ की ही एक प्रजाति है जो खास तौर पर उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पर जो बात इन्हें बाकी भेड़ों से अलग बनाती है वो है इनके सिर पर मौजूद इनकी बड़ी बड़ी दो सींग है। ये सींग इन भेड़ों को लड़ने में मदद करती है और खास तौर की तब जब वो लड़ाई किसी मादा रैम को पाने के लिए लड़ी जा रही हो। पर दोस्तों जहां प्रकृति ने ये सींग रैम्स को अपनी सुरक्षा करने के लिए दी है वहीं वो रैम्स की मौत का कारण भी बन जाते हैं। दरअसल कई बार ये सींग गलत दिशा में बढ़ने लगते हैं और रैम्स के ही चेहरे में घुसने लगते हैं जिससे धीरे धीरे करके रैम्स अपनी मौत की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब दोस्तों कई बार इंसानों ने कई रैम्स की बढ़ती सींगों को काटकर उन्हें मरने से बचा लिया है पर कुछ रैम्स की किस्मत खराब होती है और वो अपने ही सींग से मारे जाते हैं। नंबर 5 डियर। दोस्तों इंसान को भगवान की एक अद्भुत और अनोखी रचना इसलिए माना जाता है क्योंकि वो दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान और होशियार होता है। साथ ही उसके शरीर में ऐसा कोई भी अंग नहीं होता जो उसी की जान ले ले। दोस्तों भगवान ने इंसानों के पैर इस तरह बनाए हैं कि वो आसानी से किसी भी तरह के सरफेस पर चल सकते हैं जैसे कि प्लेन धरती, ऊबड़ खाबड़ पत्थर और जमा हुआ बर्फ। लेकिन इस मामले में हिरन की किस्मत बड़ी ही खराब होती है। दरअसल दोस्तों उनके पैर के नाखून सीधे होने के कारण वो बर्फ पर फिसलने लगते हैं और सही से चलना तो दूर की बात है, वो तो सही से खड़े भी नहीं हो पाते। और अगर इंसान उन्हें वहाँ से नहीं निकाले तो वो बर्फ पर पड़े पड़े ही जम जाते हैं और उनके पैर की वजह से ही उनकी मौत हो जाती है। नंबर 4 टर्टल्स। दोस्तों कछुआ धरती का एक ऐसा जीव है जिसकी उम्र लगभग 200 सालों तक होती है और भले ही वो काफी धीरे चलता है मगर प्रकृति ने उसे अपने बचाव के लिए दुनिया का सबसे मजबूत कवच दिया है जो उसे बड़े से बड़े खतरनाक जानवर से भी बचाने में मदद करता है। पर दोस्तों कई बार कछुआ का ये सुरक्षा कवच उनकी ही जान ले लेता है और ऐसा ज्यादातर बड़े कछुओं में होता है। दरअसल दोस्तों बड़े होने पर कछुए का कवच भी काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए अगर वो पीठ की तरफ से गिरते हैं तो
उनका दोबारा सीधा हो पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है और सीधे न हो पाने के कारण उनकी भूख से मौत हो जाती है और कई बार तो शिकारी जानवर ही उन्हें खा जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों नर कछुए भी जब किसी मादा कछुए के लिए आपस में लड़ते हैं तो वो अपने विरोधी को पीठ की तरफ उल्टा करने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर एक बार उन्होंने विरोधी कछुए को उल्टा कर दिया तो वो दोबारा सीधा नहीं हो पाएंगे और इस तरह उनकी मौत हो जाएगी। नंबर 3, डंकीज। दोस्तों क्या आपको पता है कि गधों को भी हर 6 से 10 हफ्तों के अंदर मैनीक्योर करवाने की जरूरत पड़ती है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई मजाक है, पर सच कहें तो गधों के बारे में ये एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल कई जानवर ऐसे होते हैं जिनके पैरों के नाखून उनके गले का काटा बन जाते हैं और उन्हें चैन से जीने नहीं देते, और गधा ऐसे ही जानवरों में से एक है। दोस्तों जब गधे के नाखून काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो यू शेप में हो जाते हैं और उन्हें चलने में दिक्कत होने लगती है और वो कोई भी काम करने लायक नहीं रह जाते। यहाँ तक कि कई बार तो वो अपने नाखूनों की वजह से भाग भी नहीं पाते और खतरनाक शिकारी जानवर उन्हें मारकर खा जाते हैं। वैसे दोस्तों इंसानों के संरक्षण में रहने के कारण पालतू गधों के तो नाखून काट दिए जाते हैं, पर जंगली गधों के पास ऐसा कोई नहीं होता जो उनके बढ़ते नाखूनों को काटे, इसलिए बड़ी नाखूनों की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाते और खाना न मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। नंबर 2, शिप्स। दोस्तों हम इंसान सर्दियों में ऊन बनाने के लिए भेड़ों के बाल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि ज्यादा से ज्यादा ऊन पाने के लिए हमने खुद कई तरह के भेड़ों की प्रजाति को जन्म भी दिया है जिनका पूरा शरीर घने बालों से लदा रहता है और हमें ज्यादा से ज्यादा ऊन बनाने को मिलता है। वैसे प्रकृति ने भेड़ों को इतने ज्यादा बाल सर्दी से बचने और शरीर को गर्म रखने के लिए दिए हैं, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि कई बार भेड़ों के यही बाल उनकी मौत का कारण बन जाते हैं। दरअसल कई बार अत्यधिक बाल बढ़ जाने के कारण भेड़ों को बहुत ही ज्यादा खुजली और बेचैनी होने लगती है और तो और अत्यधिक गर्मी होने के कारण उनकी मरने जैसी हालत हो जाती है। इसके अलावा एक भेड़ हर साल लगभग 21 किलो तक के ऊन को पैदा करने की क्षमता रखती है। अब जरा आप ही सोचिए कि अगर इन भेड़ों के बाल समय पर नहीं काटे गए तो इनका वजन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही वजह है दोस्तों कि कई बार समय पर बाल न कटने की वजह से भेड़ अत्यधिक वजन और इन्फेक्शन से मर जाते हैं। नंबर 1, स्लॉथ। अब दोस्तों बात करते हैं स्लॉथ्स की, जिनकी पूरी जिंदगी पेड़ों पर ही बीतती है। ये पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार जमीन पर उतरते हैं और वो भी सिर्फ शौच करने के लिए। इसके अलावा इनकी चाल इतनी ज्यादा धीमी होती है कि ये एक मिनट में महज 30 सेंटीमीटर की दूरी ही तय कर पाते हैं। साथ ही ये दिन में लगभग 20 घंटों तक सोए ही रहते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि स्लॉथ्स की जिंदगी कितनी आरामदायक होती है और काश आप भी ऐसी आराम की जिंदगी जी पाते। लेकिन जरा रुकिए, क्या आप ये जानते हैं कि स्लॉथ्स की यही धीमी चाल और आराम भरी जिंदगी इनकी मौत का कारण बन जाती है। दरअसल दोस्तों धीमा चलने के कारण जब कोई शिकारी जानवर इन पर हमला कर देता है तो ये चाह कर भी अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं पाते और जंगली शिकारी जानवर इन्हें मारकर खा जाते हैं। यहाँ तक कि बाज, जो इनसे साइज में छोटा होता है, वो इन्हें मारकर खाने में कामयाब हो जाता है। अब दोस्तों जरा आप अपने दिमाग से सोचकर ये बताइए कि क्या आपको स्लॉथ जैसी आरामदायक जिंदगी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इन सभी जानवरों में से आपको किस जानवर की मौत सबसे ज्यादा दर्दनाक लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।